हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW के काफ़ी बड़े और काफ़ी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस की मदद मांगी। फाइनली प्राइवेट पार्टी के TNA इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच की डेट रिवील हो चुकी है। AEW ने एक और नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। AEW के नाम से स्कैम हो रहे हैं। और गाइज, AEW एक और नई टूर्नामेंट करवाने वाली है। जो सारी अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW के नए ट्रेडमार्क की। तो गाइज, मैंने आपको बहुत बार बताया है और मुझे लगता है कि अब तक तो आपको भी पता चल चुका होगा कि गाइज, कोई भी बड़ी कंपनी अपने कंपनी की हर एक चीज़ का ट्रेडमार्क करवाती है, जिससे कि वो चीज़ जिस कंपनी की है उस कंपनी के अलावा कोई और उस चीज़ को इस्तेमाल ना कर सके। और इसलिए AEW और WWE जैसी कंपनियाँ अपने कई सारे रेसलर्स के नाम और अपने कई सारी चीज़ों के नामों का ट्रेडमार्क करवाती है। और ऐसा ही एक और नया ट्रेडमार्क हाल ही में AEW ने फाइल किया है। और ये ट्रेडमार्क सुनकर आप सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि गाइज, हाल ही में AEW ने टू स्वीट नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, जो कि देखा जाए तो आज तक WWE के अंडर था। लेकिन गाइज, हाल ही में AEW ने टू स्वीट नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवा लिया है। और अब टू स्वीट नाम का ट्रेडमार्क WWE के पास नहीं बल्कि AEW के पास है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं इस ट्रेडमार्क की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा कि गाइज, जब AEW कंपनी नहीं बनी थी और जब न्यू जापान प्रो रेसलिंग में बुलेट क्लब के मेंबर बनने के बाद यंग बक्स और केनी ओमेगा NJPW कंपनी में टू स्वीट नाम का जेस्चर इस्तेमाल करते थे, तो तब एक टाइम के लिए जब यंग बक्स ने नाम न्यू जापान प्रो रेसलिंग से बाहर USA में आकर रिंग ऑफ ऑनर में इस्तेमाल किया, तब WWE ने यंग बक्स को एक लीगल नोटिस भेजी थी कि ये ट्रेडमार्क WWE का है और WWE के अलावा कोई भी अगर इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करता है तो फिर WWE आगे चलकर उन पर लीगल कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि देखा जाए तो टू स्वीट लाइन द क्लिक ने इन्वेंट की थी और द क्लिक पहले से ही WWE के लिए काम करती है, तो फिर द क्लिक के नाम के अंडर WWE ने ये ट्रेडमार्क अपने नाम के ऊपर फाइल करवाया था। पर यंग बक्स को WWE की लीगल नोटिस मिलने के बाद यंग बक्स ने कभी भी टू स्वीट नाम का इस्तेमाल नहीं किया। पर इसके बाद अब हाल ही में AEW ने टू स्वीट नाम का ट्रेडमार्क अपने कंपनी के लिए फाइल किया है, तो अब टू स्वीट नाम का ट्रेडमार्क ऑफिशियली यंग बक्स और AEW का हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर यंग बक्स और AEW टू स्वीट नाम के ट्रेडमार्क को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के नाम के अंडर कौन कौन से स्कैम्स हो रहे हैं। तो गाइज, मुझे लगता है कि आपने हाल फिलहाल में इंडिया में काफ़ी सारे स्कैम की वेब सीरीज देखी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि आपको स्कैम का अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन हाल फिलहाल में USA में ऐसा ही एक स्कैम AEW के नाम के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW के फैंस को AEW के नाम से एक स्कैम कॉल आ रहा है। और उस स्कैम कॉल के थ्रू स्कैमर्स फैंस को ये बता रहे हैं कि वो AEW के ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं और AEW के ऑफिशियल चाहते हैं कि वो फैंस आगे चलकर AEW कंपनी में कास्टिंग क्रू के तौर पर काम करे, जिसके लिए उनको AEW कंपनी के अंदर एक कास्टिंग फीस भरनी पड़ेगी। इस तरीके के कुछ स्कैम्स कॉल्स हाल फिलहाल में AEW के फैंस को कुछ स्कैमर्स की तरफ से आ रहे हैं, जिसके ऊपर बात करते हुए हाल ही में AEW ने भी एक ट्वीट किया है। और यहाँ पर AEW ने अपने सभी फैंस को बताया कि AEW के नाम से अगर किसी भी फैन को कोई कास्टिंग कॉल आता है तो फैंस चेक कर ले कि वो कास्टिंग कॉल फेक है या सही, क्योंकि AEW ज़्यादातर अपने तरफ से किसी भी फैन को कोई भी कास्टिंग कॉल नहीं करती। पर अगर किसी फैन को कोई कॉल आता है जिसमें अगर कोई कहता है कि वो AEW का ऑफिशियल है और वो AEW कंपनी की तरफ से आपको AEW के कास्टिंग क्रू में इन्वॉल्व करना चाहता है, तो उन कॉल्स को फैंस अच्छी तरीके से चेक कर ले, क्योंकि 99.9% AEW ऐसा कभी नहीं करती। जो नोटिस हाल ही में AEW ने अपने फैंस को दी है कि किस तरीके से उनके नाम के ऊपर कोई स्कैम हो रहा है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज, जानते हैं कि हाल ही में प्राइवेट पार्टी की इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच को लेकर कौन सी डेट सामने आई है और कब प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाली है। तो गाइज, अगर किसे नहीं पता तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी ने इम्पैक्ट रेसलिंग को इन्वेट किया था और वहां पर जाकर प्राइवेट पार्टी ने इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर वन कंटेंडर्स मैच लड़ा था।
और वो मैच जीतने के बाद प्राइवेट पार्टी इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर वन कंटेंडर बन चुकी थी। जो बात अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो पर इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर वन कंटेंडर बनने के बाद हाल ही में इंपैक्ट रेसलिंग ने रिवील कर दिया है कि कब प्राइवेट पार्टी को उनके इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलने वाला है। और यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग ने बताया कि फरवरी 13 को होने वाले इंपैक्ट रेसलिंग स्पेशल नो सरेंडर इवेंट में इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस गुड ब्रदर्स अपने इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। जो कि देखा जाए तो प्राइवेट पार्टी के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्राइवेट पार्टी AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए तो नहीं लेकिन अब इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर सकती है, जो कि मुझे लगता है प्राइवेट पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अब देखना पड़ेगा कि फरवरी 13 को होने वाले इंपैक्ट रेसलिंग स्पेशल नो सरेंडर में प्राइवेट पार्टी इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन पाती है या नहीं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या प्राइवेट पार्टी इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कौन सी टूर्नामेंट कंडक्ट करने वाली है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें AEW कंपनी में बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ टूर्नामेंट्स में फर्स्ट एवर TNT चैंपियन और फर्स्ट एवर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस क्राउन हुए हैं। तो कुछ टूर्नामेंट्स AEW ने किसी चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए किए थे और इसका रिसेंट एग्जाम्पल AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट है, जो टूर्नामेंट जीतकर केनी ओमेगा आगे चलकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। पर इसके बाद हाल ही में AEW ने एक और नई टूर्नामेंट अनाउंस की है कि गाइज AEW हिकारू शिडा के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक टूर्नामेंट करवाने वाली है। जिस टूर्नामेंट के बारे में AEW ने कुछ ज्यादा डिटेल्स तो रिवील नहीं की है लेकिन गाइज हम इस टूर्नामेंट के ग्राफिक्स के थ्रू कुछ चीजें समझ सकते हैं कि प्रोबेबली इस टूर्नामेंट में 16 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं और ये टूर्नामेंट एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट होने वाला है, जिसका मतलब कि अगर कोई रेसलर इस टूर्नामेंट में अपना मैच हारता है तो वो रेसलर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पर इसके अलावा इस टूर्नामेंट के ग्राफिक में देखने लायक बात यह है कि गाइज इस टूर्नामेंट के पीछे AEW ने USA का फ्लैग और जापान का फ्लैग लगाया है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉसिबली इस टूर्नामेंट में USA के रेसलर्स के साथ साथ जापानीज रेसलर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये फ्लैग इस टूर्नामेंट के दोनों साइड में है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के 16 पार्टिसिपेंट्स में से हमें प्रोबेबली 8 पार्टिसिपेंट USA के और 8 जापान के पार्टिसिपेंट्स इस टूर्नामेंट में कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनके बीच में हमें ये टूर्नामेंट देखने को मिलेगा और जो कोई ये टूर्नामेंट जीतेगा वो बन जाएगा AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर। जो कुछ डिटेल्स हम इस टूर्नामेंट के ग्राफिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। पर जहां तक बात है इस टूर्नामेंट के डेट की तो गाइज अब तक AEW ने इस टूर्नामेंट को लेकर कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है और यहां पर AEW ने रिवील नहीं किया कि ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोबेबली ये टूर्नामेंट AEW के बीच ब्रेक इवेंट के बाद स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई ये टूर्नामेंट जीतेगा वो आगे चलकर AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू में हिकारू शिडा के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हिकारू शिडा को चैलेंज करेगा और क्या पता हमें इस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स के थ्रू कोई नए रेसलर्स AEW कंपनी में डेब्यू करते हुए दिखाई दे। पर इतनी ही कुछ डिटेल्स है जो कि हाल ही में AEW ने इस टूर्नामेंट को लेकर रिवील की है और आपका इस टूर्नामेंट के ऊपर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो AEW के इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस अपने डायनामाइट शो पर ही करवाने चाहिए, जिससे कि डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन को अच्छा खासा टाइम मिले। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली ने किस तरीके से रोमन रेंस की मदद मांगी और मॉक्सली ने रोमन रेंस से क्या मदद मांगी। तो गाइज अगर आप जॉन मॉक्सली और एन यंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गाइज जॉन मॉक्सली और एन यंग आने वाले दिनों में पेरेंट्स बनने वाले हैं और यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एन यंग दोनों ही अपने बच्चों के लिए काफी बढ़िया पेरेंट्स बनना चाहते हैं। और यही जब हाल ही में रोमन रेंस ने ब्लीचर रिपोर्ट के साथ एक इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में रोमन रेंस ने बताया कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस की मदद मांगी थी। और यहाँ पर रोमन रेंस ने कहा कि जब रोमन रेंस को पता चला कि जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग प्रेग्नेंट है तो जॉन मॉक्सली और रेने यंग को कांग्रेचुलेट करने के लिए रोमन रेंस ने एक टेक्स्ट मैसेज किया था
और उस टेक्स्ट मैसेज की रिप्लाई में जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस से एक सवाल पूछा कि रोमन रेंस जॉन मॉक्सली को एक अच्छे फादर बनने के लिए मदद करे और रोमन जॉन मॉक्सली को बताए कि किस तरीके से एक अच्छा फादर बनते हैं, जिसका जवाब देते हुए रोमन रेंस ने जॉन मॉक्सली से कहा कि जॉन मॉक्सली को अपने बच्चे का पेट भरना चाहिए, अपने बच्चे के डायपर चेंज करने चाहिए और अपने बच्चे को खूब ज्यादा प्यार करना चाहिए और इसी तरीके से जॉन मॉक्सली एक ग्रेट फादर बन सकते हैं, जो एडवाइस रोमन रेंस ने जॉन मॉक्सली को दी। पर अगर किसे नहीं पता तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस रोमन रेंस भी तीन तीन बच्चों के फादर है और इसीलिए जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस से मदद मांगी थी कि रोमन रेंस जॉन मॉक्सली को बताए कि किस तरीके से ग्रेट फादर बनते हैं। और रोमन रेंस के जवाब के बाद जॉन मॉक्सली ने भी रोमन रेंस को रिप्लाई दिया कि जॉन मॉक्सली को रोमन रेंस की बातें सुनकर अच्छा लगा और ये सब चीजें काफी आसान कर बताने के लिए जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस को थैंक यू कहा। जो बात हाल ही में रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में शेयर की है कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली ने रोमन रेंस की मदद मांगी थी और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?